थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू माय बॉलीवुड बॉडी. मैं आपका होस्ट सनी. ऋतिक भाई, यार घड़ी नहीं बनी हुई है. क्या बात है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. ईमेल्स, इतनी हमें ईमेल्स आई कि यार वो आमिर खान साहब ने ट्रांसफॉर्मेशन की है उसके बारे में कुछ बताएं. वी आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. हमारा जो शुरू में ट्रेलर चलता है उसके अंदर भी लिखा हुआ कि वी स्पेशलाइज इन ट्रांसफॉर्मेशन. वी आर नॉट जस्ट के यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं. हमारे एक्चुअली अपने जिम है जहाँ पे हम लोगों को लाते हैं और उनका वेट लूज कराते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं. सो ऋतिक भाई क्या कहते हैं, फिर बात पूरा हो जाए शो इसके ऊपर की नहीं आज एक. हाँ चलो, लेट्स ब्रेक डाउन आमिर खान एंड हिज ट्रांसफॉर्मेशन. नहीं नहीं, आमिर खान को नहीं ब्रेक डाउन करना. मतलब यार आमिर खान को नहीं ब्रेक डाउन करना, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन. बंदा देखा बॉडी बिल्डिंग नहीं मारे. पहले तो उनका गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा. हमारा बेटा तो कर गया, आमिर खान तो कम कर गया. सलू भाई. हे, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू माय बॉलीवुड. मैं आपका होस्ट सलू. हियर यू, आई एम बल्लू. आमिर खान ने दवाइयां पाती कहते हैं, जीटी रोड पे दवाइयां पाया आमिर खान, ट्रक लेके बाहर निकल गया था था था. सो आई गॉट अ लॉट ऑफ ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस के यार आप बताएंगे हाउ इज इट इवन पॉसिबल टू बिल्ड अ बॉडी, कि इस तरह 4-5 महीने में बॉडी बिल्ड करना क्या है. सो व्हाट आई डिड इज मैंने थोड़ी ना एनालिसिस की. नंबर वन, पहली टल्ली मैंने जे कटलर साहब को घुमाई. मैं कहा फ्रेड बिगी स्मॉल्स को, आई वांटेड टू नो वेयर वी स्टैंड. आई हैव देम ऑन व्हाट्सएप एज वेल, कि यार क्या है, इज इट इवन पॉसिबल और नॉट. हम इस वीडियोस के अंदर नंबर वन, मैं पहले आपके साथ शेयर कर दूं, ये लंबी वीडियो होनी है, 15-20 मिनट हमने इसमें बकबक करनी है, डिफरेंट डिफरेंट आपको क्लिप्स दिखानी है. अगर आपको ये है कि वीडियो बहुत लंबी है, अभी आप ऐसे डिसलाइक का बटन दबाया निकल जाए पोटी करके हमारी वॉल के ऊपर, बाद में ये ना करना 15 मिनट के बाद करो इतनी लंबी वीडियो बना दी. इट्स अ लंबी वीडियो, वी आर गोना शेयर. आपको हम अपने एंगल से बताएंगे, फिर आपको हम आमिर खान साहब के उनके अपने रेफरेंस से बताएंगे, और साथ में हम आपको जे कटलर के रेफरेंस से बताएंगे, हु हैपेंस टू बी 4-time मिस्टर ओलंपिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स दैट एवर टच्ड दिस प्लैनेट. सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम इस वीडियो में आज नाउ अगर आप देखते हैं आमिर खान साहब की 50, ही इज इन लेट प्राइम, 50-51 साल उनकी एज है. हाउ डिड ही डू इट? ही डिडंट बिल्ड हिज बॉडी इन 4 months. लेट्स गो बैक 7-8 साल पहले, जब उन्होंने गजनी मूवी के लिए अपनी बॉडी बनाना शुरू की थी. 43-44 साल का बंदा है, नॉर्मल उसकी फिजीक है, 23-24% लीन मास कैरी कर रहा है, 20-22% बॉडी फैट परसेंट, जो कि ट्रेडिशनल इंडियन पाकिस्तानी, दैट्स हाउ मैन लुक. It took him एक साल में उन्होंने अपनी बॉडी बिल्ड की थी. वंस यू बिल्ड अ बॉडी यू हैव इनफ मसल, देन यू मेंटेन. फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मूवीज आप देखेंगे उन्होंने की और वो मेंटेन की अप टिल द वेरी लास्ट मूवी जो उनकी आई, पीकू के पीके के पुकू इस तरह करके, और टेप रिकॉर्डर नंगा होकर फिर रहे थे जो रेलवे की पटरी. अनुष्का शर्मा, यार मेरे दिल लगे जिन्हें मेरा दिल लुटिया हो. सो अनुष्का शर्मा जी के साथ उन्होंने वो टेप रिकॉर्डर से नंगा सा एलियन से बन के वो फिरते थे. जब उन्होंने वो मूवी फिनिश की, हिज बॉडी फैट परसेंटेज वॉज 9.6. हम थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करेंगे दिस, ये जो है जो थोड़ी मैंने रिसर्च की आमिर खान साहब के अपने इंटरव्यू पुराने उठा के. सो जब उन्होंने वो मूवी फिनिश की और उनको दंगल के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया, ही वाज एट 9.6% बॉडी फैट. उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने वेट गेन किया. सो उनके इंटरव्यू में भी आपको पता लग जाएगा, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू रिपीट. उन्होंने पहले सारा वेट गेन किया, ही पुट ऑन गुड 40-50 पाउंड. अब आपको ये देखना है कि अगर आपकी बॉडी बिल्ड हुई है, जैसे सलो भाई ने बॉडी पूरी फिट बनाई हुई है, ऋतिक भाई ने बॉडी सेट बनाई हुई है, अब वो कहते हैं यार आपकी, चलो यार मैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, आपको इस किस्म का एक रोल में डालते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू गो अप एंड डाउन एज कम्पेयर टू यू जिन, अगर आपकी बॉडी है ही नहीं. अगर इनको मैं कहता हूँ यार सलो भाई 40 पाउंड वेट गेन करके 40 पाउंड कम करते हैं, इनके लिए बड़ी आसानी है. नंबर वन, आपने वर्कआउट नहीं करना. नंबर टू, आपने रज खाई जाना, लॉट्स ऑफ फैट्स और टोटली गेट आउट ऑफ शेप. From here, अगर आपने 40 पाउंड गेन करके आउट ऑफ शेप जाना, इट्स नॉट गोना टेक यू मोर देन 3-4 मंथ्स. 3-4 महीने में यू विल बी टोटली आउट ऑफ शेप. एक चीज ये कि नॉट ओनली यू विल लुक फैट, यू आर नॉट दैट फैट. एक इल्यूजन क्रिएट होती है बिकॉज आप ब्लोटेड हो, यू आर सो ब्लोटेड दैट यू लुक लाइक के पता नहीं आपने पूरा पहाड़ खा लिया, हाथी खा लिया जिंदगी. सो यू विल बी रियली रियली टोटली आउट ऑफ शेप. लेकिन अब वहां से उसको वापस ट्रिम डाउन करने में इट्स नॉट गोना टेक दैट लॉन्ग. अब जब आप वर्कआउट करना शुरू करोगे, लेट्स से अगर मैं खुद अपने अपनी एग्जांपल, अगर मैं वर्कआउट करके वापस आना चाहूँ 6-7-8 महीने में, आई कैन ट्रिम राइट बैक डाउन टू द सेम शेप. गोइंग बैक टू द टॉपिक ऑफ, गोइंग बैक टू द टॉपिक ऑफ के आमिर खान साहब 9.6 पीकू में थे, उन्होंने वेट गेन किया दंगल के लिए. जब उन्होंने ट्रिम डाउन शुरू करना किया, उन्होंने डायरेक्टर साहब को भी कहा कि मैंने 4-5 महीने में सारा वेट ट्रिम डाउन करना है. उसके अंदर की थिंग, उनके पास एक गोल है 4-5 महीने का. नंबर टू, अगर आप उनका वर्कआउट देखें तो आप कहेंगे कि दिस इज क्रेजी. अ लॉट ऑफ पीपल से उन्होंने टीके लिए, ये लिए, वो लिए. आई रियली रिस्पेक्ट एज अ ट्रेनर व्हाट ही डिड. अब ये उनका वर्कआउट है फॉर द फर्स्ट 3-4 वीक. सुबह उठ के 1 घंटा वेट ट्रेनिंग,
उसके बाद 3 घंटे हाइकिंग, अब ये सारा दिन उनका वर्कआउट, 1 घंटा टेनिस, 1 घंटा स्विमिंग, 2 घंटा बाइक राइड, दैट इज 8 घंटे वर्थ ऑफ ट्रेनिंग अ डे। 8 घंटे 24 में से उन्होंने 33% दिन में वो ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 10 से 12 घंटे सोना है और 3 से 4 घंटे मील में डिवाइड करने हैं। अब अगर आप इस तरह कर रहे हैं सो यू आर बाउंड टू गो बैक टू द सेम शेप। व्हाई ही लुक्स सो गुड 4 महीने बाद वेट लूज करने के, क्योंकि जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था ही वाज 9% बॉडी फैट, जब उन्होंने वेट लूज करके वापस वहां पे चले गए ही इज बैक टू 9% बॉडी फैट। अगर वो 18% से शुरू करते हैं, अगर वो लूज करना शुरू करते हैं, उनकी बॉडी इतनी डिफाइंड होनी नहीं थी, लेकिन वो इतनी अच्छी फिजिक में पहले ही थे, ही लॉस्ट ऑल द वेट एंड ही एक्चुअली वेंट बैक टू द सेम एंड It is possible. Let's say अगर आप एक बंदा स्क्रैच से लेते हैं, एक सादा सा बंदा है, कोई वीडियो वॉच करा कहता है यार मैंने आमिर खान की वीडियो देख के मैंने भी बॉडी बनानी है, अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है, अगर आप उस तरह की बॉडी में आना चाहते हैं, इट्स एन अगली ट्रूथ, व्हाट डू यू थिंक? एक सादा बंदा है जिसने कभी वर्कआउट नहीं किया, ऐसे नहीं शर्ट ऊपर करके ना एब्स फ्लेक्स करके फिर बताएं प्लीज। सो आप क्या कहते हैं कि एक बंदा जिसने कभी वर्कआउट नहीं किया, आज आमिर खान की मूवी दंगल देख के कहना भाजी वैसी फटे चक देंगे ऐसी बॉडी बना लेंगे, व्हाट डू यू थिंक? कितना टाइम टाइम अगर बंदा बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, नॉट लाइक आपने कभी अपनी जिंदगी में डंबल उठाया नहीं अपनी जिंदगी में, आपको पता ही नहीं कि वेट्स क्या होते हैं, आपने जिम की शक्ल ही देखी है, और अगर आप स्किनी है और अगर आपने आमिर खान की तरह ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है, जो आमिर खान साहब ने बॉडी उनकी फाउंडेशन पहले से डेवलप थी, yes. जो उनकी मूवी के अंदर जब वो बल्क पे गए थे और उन्होंने अपने ऊपर इतना ज्यादा फैट पुट ऑन किया था, उसके बाद जाके उन्होंने एक और ट्रांसफॉर्मेशन की थी। ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये थी कि पहले वो लीन थे और मस्कुलर थे, पहले से ही बिल्ट थे, ये नहीं थे कि वो पतले से exactly, right? उससे वो फैट वो उस पर गए, पहले उन्होंने काफी ज्यादा फैट पुट ऑन किया, फिर उसके बाद वो लीन हुए अपनी मूवी के अगले जो पार्ट था उनके शूटिंग करना था। तो अगर कोई बंदा वो जो उनकी मूवी के जो एंड पे वो जो उनकी फिजीक है जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फैट लॉस करने के बाद है, तो अब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी बंदे ने अचीव करनी है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं जिम का और ये वो उसके नहीं है, उसे कम अज़ कम नेचुरली अगर वो करे 3 साल या 4 साल तो कम अज कम लगे, इतना टाइम आपको लगेगा क्योंकि आपके पास कोई गोल नहीं है, आपका गोल है आपने बॉडी बनानी है, 2-3 साल कहीं नहीं गए आपके, ऋतिक भाई लगते हैं इतने 2-3 साल के नहीं उनकी फाउंडेशन पहले से ही थी, exactly, it's like if you start at point A, you're gonna go to point B, and then you can come back to point A, but your point A is already so good that even if you get fat, you come back, you still have all the muscle. अब आप कहेंगे कि यार ये हम बोल रहे हैं, चलें let's check out a clip, आप आमिर खान साहब की अपनी क्लिप देखें, ये सारी इस चीज के बारे में उनका इंटरव्यू है, ये दंगल की रिलीज से पहले, check it out. How did I lose weight? हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने वजन कैसे कम किया। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं पीके ख़त्म कर चुका था और पीके मेरी बॉडी अच्छी थी, 9% बॉडी फैट था, मैं बड़ा फिट था। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और हमने तय किया कि हम ये करेंगे, तो डायरेक्टर ने कहा आप तो तैयार हैं, हम शुरू करते हैं इससे, और फिर आप वज़न बढ़ा के आप सेकेंड पार्ट करिए जिसमें आप बूढ़े हैं। तो मैंने कहा अगर मैं वैसा करूँगा तो जब आपकी फ़िल्म कम्प्लीट होगी, मुकम्मल होगी, तब मैं 9700 किलोज़ का रह जाऊंगा और आपका काम तो हो जाएगा, अब मुझे कोई वजह नहीं होगी कम करने की। तो मैंने कहा हम उल्टा करते हैं, पहले हम मोटे का पार्ट करते हैं और फिर आप मुझे 4-5 महीने दीजिए, उसमें मेरे लिए एक गोल होगा कि भाई 5 महीने में करना ही करना है मुझे, शूटिंग रुकी हुई है, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, पूरा यूनिट वेट कर रहा है, तो 5 महीने का वक्त मैंने अपने आप को दिया। इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊँ क्या है, वो डाइट है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूँगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूँगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी आप कसरत कर लीजिए, डाइट इज़ नंबर 1। 50% इज़ डाइट, 25% इज़ वर्कआउट एंड 25% इज़ रेस्ट। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा, जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं, कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है, मैं ये सब नहीं करता हूँ। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो अगर आप 2000 खर्च करते हैं दिन में एनर्जी, आप कितनी खाते हैं? अगर आपने 2000 एनर्जी खाई कैलोरीज, तो आपका वज़न वहीं का वहीं रहेगा, बैंक अकाउंट है ना, 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वज़न में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं,
तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा। अगर आपने ये घाटा 1000 कैलोरी का किया, इसका मतलब ये कि 2000 आप खर्च कर रहे हैं, आप 7 किलोमीटर चलिए तो 500 और खर्च हो गया। तो मतलब आपने खर्च किया 2500 और खाया आपने 1500, तो घाटा हुआ 1000 कैलोरी का एक दिन में। तो मतलब 7 दिन में 7000 का घाटा हुआ। इसका मतलब 7 दिन में आपने 1 पाउंड नहीं 2 पाउंड कम किया। ये उसके पीछे साइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैलोरी जो है, अगर आप 1500 खा रहे हैं तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा फैट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए, उसमें फाइबर की भी ज़रूरत है, सोडियम की भी ज़रूरत है। तो बैलेंस डाइट वो होता है, आमतौर पर हम मानते हैं कि आप कैलोरी का 20% आप फैट से लो, मतलब तेल आप लो। ऐसे कुछ लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते, तो तेल भी फैट भी ज़रूरी है। अच्छा फैट, हेल्दी फैट, 20% ऑफ कैलोरीज हेल्दी फैट, 30% ऑफ कैलोरीज प्रोटीन एंड 50% ऑफ कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, उनको लगता है वज़न बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। आपके ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है, वरना आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये होता है बैलेंस डाइट, ऑल द थिंग्स आर देयर इन बैलेंस एंड यू आर हिटिंग। आप कैलोरी काउंट से कम खा रहे हो, आपको वज़न बढ़ाना है तो आप उल्टा करो, 2000 खर्चा कर रहे हो आप 3000 खाओ तो आपका वज़न बढ़ेगा। तो ये होता है हेल्दी डाइट। अब जब मैं लोगों को समझाता हूँ, उनको लगता है अच्छा ये तो बहुत लंबा चक्कर बता रहा है हमको यार, कोई जल्दी कुछ नहीं है, कोई दवा खा लूँ मैं, पिल खा लूँ। कोई नहीं है, कोई पिल नहीं है, कोई दवा नहीं। देखा मैं ऐसी इंजी नहीं बोली, ऐसी भाजी थोड़ी रिसर्च रिसर्च करके वीडियो वीडियो पाई थोड़े लिए। सो अगेन जिस जो चीज़ें हमने कवर की वही चीज़ें सारी जो हैं आमिर खान साहब ने भी कवर की। ही टॉक्ड अबाउट उन्होंने कितना वर्कआउट किया, वो वर्कआउट जो उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा वर्कआउट किया शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा वेट उतारने के लिए था। व्हाट इज़ रियलिस्टिक, उन्होंने अपनी वीडियो में भी बात की रियलिस्टिक कितना वर्कआउट एक आम बंदे को करना चाहिए इन ऑर्डर टू एक अच्छी फिजिक में आने के लिए। 45 मिनट से 1 घंटा दिन का बहुत अच्छा है। अब यही चीज़ अगर आप रेफरेंस उठा के जे बाबू जो हैं हमारे टाइम मिस्टर ओलंपिया उनसे उनके आगे रखें, चेक इट आउट व्हाट जे कटलर हैज टू से अबाउट इट। जे, अ फ्यू क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क, स्पेशली वी इंडियन पाकिस्तानीज फ्रॉम श्रीलंका बांग्लादेश, वी कैन सीम टू ग्रो, सो व्हाट्स योर एडवाइस, हाउ कैन वी ग्रो? I tell everyone it's not necessarily about the training as much. I mean, people look at the bodybuilders, someone like myself who's earned, you know, that status as Mr. Olympia, and they think that we spend 6 or 8 hours in the gym. And like I explained to you, you asked me today how long is my session? I said 30 to 45 minutes. But the main thing is the meals that you eat in order to maintain. Remember, you have to eat consistently, and that's not just 3 days in a row or 4 days in a row. You have to eat day in, day out, and be able to take in enough calories. And that's gonna vary from person to person, but I always suggest, you know, your biggest meals of the day being your first meal, the meal before you train, the meal after you train. Those are 3 most important meals where you're gonna take in the most calories. Now, every 2.5 to 3 hours should be portionate meals. So protein, carbohydrates on vary for some, but at least some sort of protein. So the average person is gonna eat at least 5 or 6 to 7 portionate meals a day. Okay. And I think a lot of people have a misconception because they say, oh, I don't wanna get fat, or I don't need that many meals, I'll just eat 1 or 2 big meals a day. And that's not necessarily how you're gonna build an anabolic body where you're gonna be able to build muscle tissue and maintain a physique that everyone wants to achieve. No matter what anyone says, they would like to have some muscular definition, they would like to be in shape, and remember, you are what you eat. True. So you have to take in, you know, the chicken and the fish and the egg whites, and I mean, I know there's a lot of vegetarians in India. We're all vegetarians. You know, well, not necessarily, because... No, we eat chicken, we call it, we're vegetarian. Yeah. So, I know it's a little of an obstacle to get in enough protein. I know you guys use a lot of yogurts and that kind of stuff. So I would always suggest just, you know, eat what you need to. I mean, everyone needs at least 1 gram of protein per pound of body weight. True. Depending on their body composition. So you have to have that sort of structure. And even the average person that doesn't even lift weights can stay on a healthy diet and follow a regimen of that and still maintain somewhat of a decent body. It's when you get off that diet and you start eating all the bad food, that's what's really going to put your body into a bad position and start gaining body fat. So anything is possible. What Amir Khan Saab did is 100%. I say that he is, it's all hard work and dedication, and it's only possible with a lot and a lot of hard work and dedication. Unke apne interview mein
ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਬਦਨੂਮ ਨਾ ਕਰੋ ਟਿੱਕੇ ਟੁੱਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਗਲ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਐਂ ਪਾਪਕਾਰਨ ਪੁਪਕਾਰਨ ਖਾ ਕੇ ਬੜੀ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਗਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਲੜਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੋਟੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੀਕੂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਗਾਇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਿਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਵਰਕ YouTube पे हमें सब्सक्राइब करें माई बॉलीवुड बॉडी फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर